all on our YouTube channel, that is Easy Learning 247. I hope you all are better and safe. और लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, सिमिलरली आज की क्लास में भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करती हूँ, जो कि हमारे आज के टाइम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इनइक्वालिटी के ही कुछ क्वेश्चंस को आगे करेंगे. आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा प्लीज, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा. लेट्स हैव अ लुक. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स जो कि सिंबल्स दिए हुए हैं हमें, एट द रेट, एट द सी, परसेंटेज और स्टार, डॉलर का साइन, आर यूज्ड इन द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड ग्लो. यानी इन वाले जो सिंबल हैं उनका कुछ मीनिंग दिया हुआ है, फॉलोइंग वो हमें गिवन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. और क्या दिया हुआ है वो मैं अभी नोट करके बताती हूँ. देखिए, P एट द रेट C का जो मीनिंग है वो P इज नॉट ग्रेटर देन Q. यानी जब भी एट द C आएगा ये वाला साइन, तो इसका मतलब होगा कि P इज नॉट ग्रेटर देन, यानी P जो है वो ग्रेटर नहीं है. P ये इसका मतलब होगा कि जो P है वो Q से बड़ा नहीं है. Q P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा नहीं है. जब बड़ा नहीं होगा तो वो क्या होगा, लेसर और इक्वल. यानी अगर कोई चीज बड़ी नहीं है तो वो क्या क्या हो सकती है, या तो वो छोटी हो सकती है या वो बराबर हो सकती है. सो P इज लेसर और इक्वल Q, यही कंडीशन बनेगी. अगला दिया है P डॉलर Q, ठीक है. अब इसमें बोल रहा है कि अगर इस ये आए P डॉलर Q, इसका मतलब है P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी P Q से छोटा नहीं होना चाहिए. जब P Q से छोटा नहीं होगा, जब कोई चीज छोटी नहीं होगी, तो क्या कंडीशन बन सकती है सिर्फ इनइक्वालिटी में, कि वो चीज या तो बड़ी होगी या बराबर होगी. सो क्या कंडीशन बनेगी, P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q. आगे दिया हुआ है P एट द रेट Q, यानी अगर ये एट द रेट आए इसका मतलब होगा P इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर. जब कोई चीज ना तो बड़ी हो ना छोटी हो तो वो क्या हो सकती है, सिर्फ बराबर. सो P इक्वल टू Q. अगला है P स्टार Q, इसका मतलब है P इज नाइदर इक्वल नॉर ग्रेटर देन Q, यानी P ना तो इक्वल होगा ना ही ग्रेटर होगा, तो क्या हो सकता है, सिर्फ लेसर. यानी कोई चीज अगर बड़ी भी नहीं हो और बराबर भी नहीं हो तो क्या होगी, छोटी. अगला है P परसेंटेज Q, इसका मतलब है P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q, यानी जो P है वो ना ही स्मॉलर होगा और ना ही बराबर होगा. जब कोई चीज ना तो छोटी हो ना बराबर हो तो वो क्या हो सकता है, ग्रेटर. सो इसका मतलब हो गया ग्रेटर, ठीक है. इन साइन का मतलब आपको ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं. जो स्टेटमेंट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो एन है एट द रेट एल, एट द रेट आर, स्टार ए और डॉलर बी, ठीक है. और जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो दिया हुआ है आर, फर्स्ट कंक्लूजन है आर स्टार बी, सेकेंड कंक्लूजन है ए परसेंटेज एल, थर्ड कंक्लूजन है ए परसेंटेज एम, ठीक है. ये कंक्लूजन हमें दिया हुआ है और ये आपको क्वेश्चन दिया, आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं. अब हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो ये वाली स्टेटमेंट है इसको इन क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज करेंगे. कैसे, देखिए एम, अब यहाँ पे एट द रेट है तो एट द रेट की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे इक्वल है, एट द रेट की जगह इक्वल, ठीक है. अगर P एट द रेट क्यू है यानी P इक्वल क्यू, तो यानी M एट द रेट L है, तो इसका मतलब M
एन इक्वल टू एल, यानी अगर पी क्यू की जगह आप एम एल रख लो तो यही वाली कंडीशन बन गई। ये देखिए ये वाली कंडीशन बन गई। आगे एल एट द रेट आर, यानी एल इक्वल टू आर। अब लगा है स्टार का साइन। स्टार का साइन का मतलब क्या है, ये देखिए आप लोग, लेसर देन, यानी लेसर देन और क्या हो जाएगा ए। फिर क्या है डॉलर का साइन, डॉलर का साइन का मतलब क्या है ग्रेटर देन एन इक्वल टू बी, यही बन रहा है। अब ये हमारी स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से जो फर्स्ट कॉन्क्लूजन है वो है आर स्टार का साइन का मतलब क्या है लेसर देन, आर लेसर देन क्या हो जाएगा बी, यहां पे बी दिया होगा। फिर सेकेंड वाला जो हमें कॉन्क्लूजन दिया उसको भी अगर हम अपनी लैंग्वेज में नोट करें, जो लैंग्वेज इसमें दी हुई है गिवन उसमें नोट करें तो क्या बन जाएगा ए परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन एल, और थर्ड वाला कंक्लूजन बन जाएगा ए परसेंटेज का मतलब ग्रेटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एम का मतलब, एम का मतलब क्या है एम ग्रेटर, ठीक है। अब देखिए यानी ये वाले कंक्लूजन इससे सेटिस्फाइड हो जाए तो वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आर ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब एक साइन सीरीज में जब जाएंगे एक स्टेटमेंट में और एक साइन हमें ये वाला मिल जाए और एक साइन ये वाला मिल जाए, यानी वो कंडीशन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसको बिना देखे कर देना क्रॉस, ठीक है। अगला ए ग्रेटर देन एल, यानी ए की साइड ये ओपन वाला माउथ है यानी ये रहा, और ये बराबर है तो बराबर, जब आर इक्वल टू एल है यानी इधर एल आ जाएगा, ये कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। अगला है ए ग्रेटर देन एम, सो ए बड़ा होना चाहिए यानी ए की साइड ओपन वाला माउथ होना चाहिए, जैसा कि कल मैंने बताया था। देखिए ये ओपन वाला माउथ है और ये इक्वल है, इक्वल है, इक्वल वाली कंडीशन में तो वो सेटिस्फाइड हो ही जाता है। सो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। सो इसमें देखिए आपके ऑप्शन आएंगे कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री और ऑल ऑफ दीज, या फिर ओनली टू और थ्री, ये आपके ऑप्शन थे इसके। सो आपका ऑप्शन नंबर फाइव आएगा, यानी ओनली टू और थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, स्टेटमेंट दी हुई है हमें, स्टेटमेंट है आर डॉलर एन मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर है एम, फिर एट द रेट सी का साइन, फिर के एट द रेट एल, ये दिया हुआ है। और इसके जो कॉन्क्लूजन है, फर्स्ट कॉन्क्लूजन है एम एट द रेट एल, सेकेंड है एल परसेंटेज एल मल्टीप्लीकेशन का साइन आर, और थर्ड है एल परसेंटेज एम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग अपने नॉर्मल वाली लैंग्वेज में लिखेंगे। आर डॉलर के साइन को क्या लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल एन, फिर क्या है यहाँ पे स्टार, स्टार को क्या लिख सकते हैं लेसर देन एन, ठीक है। फिर क्या है एट द रेट सी, एट द रेट सी को क्या लिख सकते हैं लेसर देन इक्वल, फिर क्या है के, ठीक है। अब यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट को क्या लिख सकते हैं इक्वल टू एल, यही दिया हुआ है। मैंने इसको अपनी बस नॉर्मल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया है जो मैंने अभी आपको सिखाया है, ठीक है। अब कॉन्क्लूजन में जो फर्स्ट कॉन्क्लूजन है उसको भी चेंज कर देते हैं, एम एट द रेट की जगह क्या करना है एट द रेट की जगह इक्वल एल, ठीक है। सेकेंड है जो एल है परसेंट एल, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन आर, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है यानी स्टार का साइन भी बोल सकते हैं आर। थर्ड क्या है एल परसेंटेज की जगह आपको ग्रेटर देन करना है एम, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले m इक्वल टू एल देखना है, यहाँ पे m है यहाँ पे l है। देखिए ये जो m ये वाली कंडीशन बन गई है, यानी m इसके बराबर है k के, और यानी अगर मैं k की जगह इधर l लग सकती हूँ क्योंकि इक्वल है लग सकते हैं, तो ये कंडीशन कॉमन इसमें क्या निकल आएगा m इज लेसर देन इक्वल टू l, यही निकलेगा इस जगह से कॉमन कंडीशन। आप इसमें देखिए ऑप्शन नंबर वन में m इक्वल टू l आ रहा है, यानी इक्वल की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई है, और m इज लेसर देन l इसको हम l इज ग्रेटर देन m भी तो बोल सकते हैं, और वो कंडीशन हमारी थर्ड में सेटिस्फाइड हुई है,
यानी ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री तो आइदर और की कंडीशन में चले गए, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री हमारे आइदर और की कंडीशन में चले गए। जब कोई चीज जैसे कि यहां पे दिया है, जब कोई कंडीशन इस तरीके से सेटिस्फाइड हो तो हम उसको, अगर वो ऑप्शन में ऐसे और ऐसे दिया है तो वो दोनों हमारे आइदर और की कंडीशन में चले जाएंगे हमेशा, यानी ये दोनों कंडीशन ही हमें ऑप्शन में दी है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कंडीशन ये वाली सेटिस्फाइड हो रही है। अब आप देखिए यहां पर जैसा कि ऑप्शन नंबर टू जो है वो, अब हम उसको करा के देखते हैं। यहाँ पे एल की साइड ओपन वाला माउथ है, यानी एल बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो एल बड़ा है इधर, फिर इधर से भी एल बड़ा हो गया, और कहां तक ले जाना है आर तक, यानी सेकेंड इस जगह आर बड़ा हो गया, इस जगह नहीं, यानी क्योंकि एक कंडीशन ऐसे आ गई एक ऐसे, सेकेंड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। सो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। सी एट द रेट डी स्टार एफ फिर कॉमा जी परसेंटेज एफ फिर डॉलर एल, कॉन्क्लूजन में फर्स्ट दिया है एल डॉलर सी, सेकेंड कॉन्क्लूजन है जी परसेंटेज डी, और थर्ड कॉन्क्लूजन है जी एट द रेट सी, ठीक है। अब देखिए इसे करेंगे कैसे, हम लोग सबसे पहले इस स्टेटमेंट को नॉर्मल कंडीशन में चेंज कर लेंगे। सी एट द रेट की जगह क्या लिख लू, एट द रेट की जगह इक्वल लिख सकते हैं डी, स्टार की जगह लेसर देन एफ कॉमा जी, परसेंटेज की जगह क्या लिखना है ग्रेटर देन एफ, डॉलर की जगह, डॉलर कहाँ है ये डॉलर की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू एल, देखिए ठीक है। अब देखिए यहां पे है, अब ये हमारी एक स्टेटमेंट नहीं आ रही, हमारे पास दो स्टेटमेंट आ रही है, क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हैं। मैंने बोला था जब दो स्टेटमेंट दिए हो तो हम लोग कॉन्क्लूजन के अकॉर्डिंग उनको कॉमन चीजों से एक लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी पहले हम लोग कॉन्क्लूजन देखना है। देखिए आप लोग अगर देखें कॉन्क्लूजन में तो फर्स्ट कॉन्क्लूजन दिया है एल डॉलर सी, डॉलर का मतलब ये रहा ग्रेटर देन इक्वल सी, सेकेंड है जी परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन डी, थर्ड दिया जी एट द रेट का मतलब इक्वल सी, ठीक है। अब देखिए आपको ये वाली स्टेटमेंट और इस वाली स्टेटमेंट में अब आपको क्या निकालना है एल और सी, एल कहाँ आ रहा है ये रहा और सी इसमें आ रहा है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को सी इक्वल टू डी लेसर देन एफ लिख लू, और यहां से मैं इसको नहीं लिखू, अभी मैं सिर्फ इसको लिखू एफ इज ग्रेटर देन एल, सो एक स्टेटमेंट बन गई। अब यहां से आप जब देखेंगे तो एल और सी दोनों आ रहा है, एल भी आ रहा है सी भी आ रहा है, और हमारा साइन किसकी साइड होना चाहिए एल की साइड, क्योंकि एल बड़ा होना चाहिए। देखिए ये एल की साइड हो ही नहीं रहा, यानी एल यहां से ही बड़ा नहीं आ पा रहा, ये वाला साइन आ रहा है अपोजिट, यानी फर्स्ट वाली फर्स्ट कॉन्क्लूजन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड वैसे भी नहीं हुई, ठीक है। अब आप देखेंगे जी इज ग्रेटर देन डी, अगर मैं इसको वापस से लिखू और मैं इसको ऐसे लिख लू जी इज ग्रेटर देन एफ, और एफ का साइन एफ की तरफ है डी, इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया बस। अब यहां से जब आप देखेंगे तो दोनों साइड से जी बड़ा आ रहा है, जी की साइड ओपन वाला माउथ है, यानी सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। अगर मैं इसको पूरा लिख लू तो यहां से जी इक्वल टू सी आ रहा है, कहीं से भी यहां पे कहीं भी इक्वल वाली कंडीशन दिख रही है नहीं दिख रही, सो आपका ऑप्शन नंबर टू हो गया, ओनली सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट तो थर्ड नहीं होंगे, ओनली सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है वही सेटिस्फाइड करेगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर है ये, अभी मैं तीन करा चुकी हूं, ये फोर्थ है, आप देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर फोर है, स्टेटमेंट दी हुई है हमें टी परसेंटेज जेड परसेंटेज डब्ल्यू, डॉलर का साइन है वाई एंड एट द रेट है एक्स, और फर्स्ट कंक्लूजन है W डब्ल्यू स्टार टी, सेकेंड है X एट द रेट सी वाला जो साइन है वो A W, फिर थर्ड है X
स्टार टी, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है जैसे कि मैंने अभी बताया उसको हम नॉर्मल जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, परसेंटेज का मतलब अगेन ग्रेटर देन, और डॉलर का मतलब यहां से दिखाई दे रहा है आपको ग्रेटर देन इक्वल, एट द रेट का मतलब ये वाली कंडीशन से इक्वल लिख लिया। अब इस वाली जो कंक्लूजन है इसे भी चेंज कर लेंगे, W का W और स्टार का मतलब लेसर देन T, सेकेंड X एट द रेट सी है, एट द रेट सी ही रहा, लेसर देन इक्वल W, थर्ड है X, फिर क्या है X के साथ स्टार का साइन यानी लेसर देन T, ठीक है। अब देखिए आप लोग W ये रहा, T कहा है ये रहा, यानी जो ओपन वाला माउथ है वो किसकी साइड आना चाहिए, टी की साइड, यहाँ पे ये वाला भी ओपन वाला इसकी साइड आ रहा है, यहाँ भी ऐसे आ रहा है, तो यानी फर्स्ट वाली जो कंक्लूजन है वो तो सेटिस्फाइड कर लिया। अब आगे सेकेंड वाला देखेंगे, एक्स की साइड डब्ल्यू की साइड ओपन वाला माउथ आना चाहिए, डब्ल्यू की साइड ओपन वाला माउथ आ रहा है, आ रहा है कहां तक, एक्स तक, यानी हमें यहां तक चलना है, और दोनों में इक्वल कॉमन आना चाहिए, यानी इधर भी इक्वल आ रहा है, इधर भी इक्वल आ रहा है, यानी सेकेंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब थर्ड चलेंगे, किसकी साइड ओपन वाला माउथ आना चाहिए, टी की साइड, यानी टी की साइड ओपन वाला माउथ आ रहा है, आ रहा है कहां तक, एक्स तक, देखिए ये भी ओपन, ये भी ओपन और ये भी ओपन, इसी की साइड, सिर्फ टी की साइड, और यहां पे भी टी की साइड है, यानी फर्स्ट थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर गई। सो इसका राइट आंसर आ गया ऑल ऑफ दी एवर, यानी सभी सेटिस्फाइड करने हैं, वन टू थ्री ऑल आर द सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो था ऑल ऑफ दी एवर वो ही इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला स्टेटमेंट यो है कुछ इस तरीके से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेटमेंट दिए है पी डॉलर आर परसेंटेज टी और परसेंटेज ओ, फर्स्ट कंक्लूजन दिया है पी आर एट द रेट सी ओ, सेकेंड कंक्लूजन दिया है पी परसेंटेज पी स्टार का साइन देन टू टी, थर्ड कंक्लूजन दिया है ओ परसेंटेज पी, ठीक है। अब इसको देखेंगे, स्टेटमेंट को नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, डॉलर का मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल, यहां से देख सकते हैं क्या है आर, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन यूएन कंडीशन से टी, परसेंटेज का मतलब अगेन ग्रेटर योग, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला कंक्लूजन को चेंज करेंगे, आर एट द रेट सी का मतलब लेसर देन इक्वल ओ, सेकेंड पी स्टार का मतलब लेसर देन टी, और थर्ड ओ परसेंटेज का मतलब यहां से आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में आर की ओ की साइड, यहां पे ओ की साइड ओपन वाला माउथ होना चाहिए, ओ की साइड क्या है, नहीं है, पहले ही हमें दिख रहा है ओ की साइड तो है नहीं है, यहां पे टी की साइड है, सो ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, देख के ही बोल सकते हो। सेकेंड वाला टी किसकी साइड ओपन वाला माउथ है, मैंने कहा ओपन वाला माउथ देख लिया, ग्रेटर लेसर देन कुछ नहीं याद है, ओपन वाला माउथ देख लिया, ये वाला यानी ऐसे करके, किसकी साइड ओपन माउथ है, टी की साइड, यहाँ पे टी की साइड है, हाँ है, लेकिन किसकी साइड से होना चाहिए, यानी टी की साइड से, यानी अगर यहां से चले तो ऐसे भी ओपन होना चाहिए, ऐसे भी ओपन होना चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या ओपन वाला साइन इस जगह से चले तो टी की साइड है, नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। अगला देखेंगे किसकी साइड ओपन वाला माउथ होना चाहिए, ओ की साइड, यहाँ पे क्या ओ की साइड है, नहीं है, थर्ड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, सो इसका राइट आंसर हुआ नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर, मतलब कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आज के टाइम में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना केवल प्री में बल्कि मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और इस वीडियो को अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।